दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने शनिवार को मनीष सिसोदिया के घर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग की। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कहा, इन्होंने शीला जी पर सवाल उठाया था, आज अपने चेहरे को देख लें, सिसोदिया को जेल जाना चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई छापे के अगले दिन केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आप सरकार पर हमला बोला है। ठाकुर ने केजरीवाल को रेवड़ी और बेवड़ी सरकार तो कहा ही, साथ ही शराब घोटाले में सिसोदिया का नाम आने को लेकर तंज कसा कि अब उनके नाम की स्पेलिंग बदल गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का मन बना लिया है। वो अगले महीने अपना आखिरी मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगी। 19 साल की उम्र में 2002 में डेब्यू करने वाली झूलन गोस्वामी ने अब तक भारतीय टीम के लिए 12 टेस्ट, 201 वनडे और 68 T20 मैचें खेली हैं। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में मनीष सिसोदिया का नाम सबसे ऊपर है, बाकी आरोपियों के नाम नीचे आ रहे हैं। ऐसे में तय है कि जांच के केंद्र में मनीष सिसोदिया ही रहने वाले हैं। इस मामले में जांच एजेंसी ने सिसोदिया के अलावा 4 और लोगों को आरोपी बनाया है। हिमाचल में सैलाब का कहर जारी है। चंबा में सैलाब के तेज बहाव में रेलवे पुल ढह गया है। देखते देखते भरभराकर रेलवे पुल ढह गया और टूटा हुआ हिस्सा नदी की तेज धार बहा ले गई। ये रेलवे का पुल हिमाचल को पंजाब से जोड़ता था। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल को एक धमकी भरा मैसेज मिला है। मैसेज में मुंबई में 26/11 जैसा हमला किए जाने की धमकी दी गई है। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस को यह मैसेज व्हाट्सएप पर दिया गया है। जिस नंबर से यह मैसेज किया गया है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। मथुरा बांके बिहारी मंदिर में दम घुटने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जन्माष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर में रात 2 बजे मंगल आरती के दौरान दम घुटने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 6 श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों को फिलहाल वृंदावन के 3 अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नए केस 16,000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में 15,754 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 15,220 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 47 लोगों की मौत हुई है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। अगर टीम इंडिया ये मैच जीत जाती है तो वह जिम्बाब्वे के खिलाफ लगातार 7वीं सीरीज जीतेगी। आखिरी बार 1997 में जिम्बाब्वे ने भारत को वनडे सीरीज में हराया था। पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने 10 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया था। शिखर धवन और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 94 रन जोड़े थे। तेल कंपनियों ने आज सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज लगातार 79वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखे गए हैं। आखिरी बार 21 मई को केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले के बाद पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए थे। सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को बड़ी राहत दी थी। इसके बाद देश में पेट्रोल 9.50 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया।